सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है शेख तनवीर और आप देख रहे हैं इंडिया के सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन एग्जॉटिक बर्ड्स। आज का जो वीडियो होने वाला है आप सबको पता है, वो वीडियो होने वाला है कमल स्कारलेट मकाऊ के ऊपर। सो मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहता हूं, इसका नाम है आरो। आरो एक स्कारलेट मकाऊ है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। और इसके सबसे पहले आपने जो चीज नोटिस किया होगा वो इसका स्ट्राइक प्लमेज। इसके जैसा प्लमेज शायद ही दुनिया में किसी के पास नहीं होता और इसी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड पेट बर्ड्स में इनकी गिनती होती है। सो जैसे कि हमने बात करी, स्कारलेट मकाऊ को दुनिया में सबसे ज़्यादा इसीलिए पसंद किया जाता है, इसकी सबसे स्ट्राइकिंग प्लमेज। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, इसके विंग्स के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन आता है, ये शायद ही किसी भी बर्ड में इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आना मुमकिन नहीं होता। नंबर दो, इनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अपार्ट फ्रॉम देयर कलर कॉम्बिनेशन, साइज, पर्सनैलिटी की वजह से। इनकी पर्सनैलिटी बहुत आउटगोइंग होती है, मतलब ये बहुत ही मनचले किस्म के एक बर्ड होते हैं और ये इतना खेल कूद मस्ती, मतलब ये फिजिकली मस्ती करने में बहुत यकीन करते हैं। इनके जो जेनेटिक्स होते हैं, इनको आना खेलना उल्टा होना मस्ती करना इनको बहुत पसंद होता है। थर्डली, इनका ह्यूमन के साथ जो इंट्रैक्शन होता है वो अमेजिंग होता है। ह्यूमन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्डेड हो जाते हैं, मगर इसके साथ साथ इनकी कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा। सो स्कारलेट मकाऊ का जो ओरिजिन, जो इनका हैबिटेट है, ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है, जो कि मैं अपने पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। और ये जो बर्ड होते हैं स्पेसिफिकली स्कारलेट मकाऊ, ये सारी दुनिया में जो पेट हॉबीज होते हैं वो उनके सबसे ज़्यादा डिमांडेड बर्ड होते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्लमेज, इवन इसका जो रेडिश होता है। अच्छा, आपको चलो एक बात बताना ज़रूरी था, बहुत से लोग बोलते हैं कि रेड मकाऊज में आप अलग अलग तरीके के रेड मकाऊज होते हैं, इवन ग्रीन मकाऊ एक रेड मकाऊ होता है। ये है स्कारलेट मकाऊ और एक मैं यहाँ फोटो डाल दूंगा, वो होगा ग्रीन विंग मकाऊ। स्कारलेट और ग्रीन विंग में सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस होता है, इनका जो रेड होता है ये ज़्यादा ऑरेंजिश और ब्लड रेड कलर का होता है और ग्रीन विंग का थोड़ा सा डल रेड होता है। सेकेंडली, जब आप इनके फेदर्स के स्ट्राइप्स देखेंगे, इनमें बेस कलर रेड, उसके बाद जो होता है येलो, उसके बाद ब्लू की इनकी पट्टी आती है। ग्रीन विंग में रेड और सिर्फ ग्रीन की पट्टी आएंगी। और आप स्कारलेट मकाऊ का जो व्हाइट पैच देख सकते हैं, ये व्हाइट पैच में आपको कोई भी स्ट्राइप्स नहीं आएगी, जबकि ग्रीन विंग मकाऊ और ग्रीन विंग मकाऊ की हर क्रॉस ब्रीड में यहाँ पर आपको रेड कलर की स्ट्राइप्स आती है। सो अभी आपको पता चल गया है कि स्कारलेट रेड मकाऊज के अंदर स्कारलेट और ग्रीन विंग में डिफ्रेंशिएट करना कितना ईजी होता है। रही बात इनकी डाइट की, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बेरीज और सीड्स, पैलेट्स, फ्लावर्स, नेक्टार्स और जंगल में ये इवन इंसेक्ट्स तक खाते हैं। रही बात कैप्टिविटी में अगेन दूसरे मकाऊ जितनी इनकी डाइट रिक्वायरमेंट होती है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स भी हो गए, मगर इनको नट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मकाऊज। मैंने ये मेरा ओपिनियन है, स्कारलेट मकाऊ को नट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। रही बात इनकी इंक्लोजर की, देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता हूँ, ये बर्ड है ना बहुत ही ज़्यादा फिजिकली इंटरेक्टिव रहते हैं, अपने ओनर्स, अपने पेट पेरेंट्स के साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो इनके लिए आपको केज में नहीं रखना है। प्रेफरेबली आपके पास एक अच्छा स्पेस हो तो आप वो स्पेस में स्कारलेट मकाऊ को रख सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनको केजेस में रखना थोड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटरेक्टिव बर्ड्स होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम देयर, मैंने जैसा पहले बोला,
इनकी मिमिकिंग एबिलिटी, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि टॉकिंग 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 नहीं होती, मिमिकिंग एबिलिटी होती है। ये बर्ड बहुत अच्छा मिमिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरो जो है वो अपना नाम लेता है ऑरो ऑरो अथो अथो करके, साथ साथ में ये मेरी हंसी की भी कॉपी करता है। जब सनसेट होता है या लेट नाइट होता है, जब मैं इसके पास जाता हूँ तो ये मेरी आवाज़ और मेरी हंसी की कॉपी करता है करके ये दिखाता है। अभी दोपहर का टाइम है, मतलब जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं तो दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा ये टाइम पे लोग नैप लेना चाहते हैं। तो राइट नाउ ऑरो इज़ नॉट सो एक्टिव। और अगेन एज सिमिलर टू अदर मकाउज, इनकी एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है वो 70-80 साल होती है, ठीक है। कैप्टिविटी में आप पकड़ लीजिए 40-50 साल इनकी एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है। और इनका ब्रीडिंग का जो टाइम आता है वो 7.5-8 साल में आता है। सेकेंडली, दे आर दी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्योर ब्रीड मकाउस, ब्लू गोल्ड, ग्रीनिंग, स्कारलेट्स, वो तो समझ जाइए हयासिन वयासिन तो एक दूसरे लेवल की बात है, मगर स्कारलेट्स मकाउ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, स्कारलेट मकाउस के अंदर, यस स्कारलेट मकाउस के अंदर बहुत सारी सब स्पीसीज आती है साइंटिफिकली, मगर मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स जहाँ जहाँ मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में या ब्रीडिंग में हम लोग स्कारलेट मकाउस को दो सब स्पीसीज में डिवाइड करते हैं, जिसका मतलब होता है सिंगल बैंड या डबल बैंड। अब आप पूछेंगे सिंगल बैंड और डबल बैंड में क्या फर्क रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आओ अतो आ जाओ। अब आप गौर से ये देखेंगे इस पर येल्लो की आपको कितनी पट्टियाँ दिख रही हैं, ये येल्लो की पट्टियाँ अगर एक से ज़्यादा होगी तो ये डबल बैंड में काउंट होगा। इसके अंदर ट्रिपल बैंड भी आता है और सिंगल बैंड भी आता है, तो इसके बैंड के हिसाब से इसकी प्राइसिंग और इसकी वैल्यू तय की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इनके टेम्परामेंट की। इनका टेम्परामेंट काफ़ी प्लेफुल होता है, काफ़ी प्लेफुल, मतलब मेरे बहुत सारे, मैंने जिन जिन को स्कारलेट मकाऊ दिया हूँ, दे आर वेरी हैप्पी, दे बिहेव लाइक अ फैमिली मेम्बर। ये फैमिली मेम्बर के जैसा होते हैं, आपके साथ पॉजेसिव भी हो जाते हैं, आप पे गुस्सा भी करते हैं और मस्ती भी बहुत करते हैं। वो सारी मैं एक दो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिनको मैंने स्कारलेट मकाऊ दिया था। अब इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये बर्ड्स बहुत ही नोटोरियस होते हैं, जिसका मतलब ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं। ये जो जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, इनका खेलना कूदना जो होता है, इसके अंदर निपिंग और बाइटिंग भी हो जाती है, मतलब एक आते आते खेलते खेलते ये बाइट करना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक एडवाइस, जो मेरा ओपिनियन है कि जहाँ पर छोटे बच्चे हों वो स्कारलेट मकाऊ ना लें। अगर इनका जो ओनर है या इनका जो पेट पेरेंट है एक अडल्ट हो, सो दैट इज़ एडवाइजेबल कि अडल्ट ये सब चीज़ें संभाल सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली इनका खेलना कूदना ऐसे ही होता है। ये लोगों को जाके भाग के आएंगे, आके पकड़ लेंगे, उंगली पकड़ लेंगे, तो छोटे बच्चों के लिए दैट वुड बी हजार्डस और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इनका खेलना कूदने में काटना भी आता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होते हैं, ठीक है। आप, मैंने आज ये स्कारलेट मकाऊ आपको देख रहा होगा, आप बोलेंगे यार स्कारलेट चाहिए, मगर ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है, बहुत लंबा कमिटमेंट होता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं ये वैसे वैसे मस्ती शोर भी होते रहते हैं, ठीक है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी आपको आपका एग्जॉटिक बर्ड या कोई पैरट बाइट करे तो नेवर हिट बैक। एक बार इनके दिमाग में एक निगेटिव एक इम्प्रेशन या छवि बन गई तो उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। सेकेंडली, इनके जो ओनर्स होते हैं, अगर इनके ओनर्स के साथ इनका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया और वो फिर एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं दिखा उसका ओनर, तो इनमें फेदर प्लकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अभी आप ये बर्ड को देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पूरा नीचे से ऊपर दिखाता हूँ, लीजिए, ठीक है। इवन इसकी टेल तक आप देख रहे कितनी लंबी है। ये बर्ड को एक प्राइम हेल्थ कंडीशन में रखना एक चैलेंज होता है, क्योंकि ये बहुत मूडी होते हैं, दे आर वेरी फसी ईटर। आपको एक छोटे बच्चों के जैसा इनको हर चीज़ खिलाने की आदत लगानी पड़ती है। मैंने बहुत सारे केसेस देखा हूँ जहाँ पर मकाऊ स्पेसिफिकली स्कारलेट, आज का वीडियो अगर स्कारलेट मकाऊ पे,
खासकर स्कारलेट बकाऊ को लोग नट्स खिलाने की या ड्राई फ्रूट्स खिलाने की आदत रख देते हैं, जिसकी वजह से उनके फेदर्स में, उनकी डाइट में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिस तरीके से आपको इस तरीके से प्राइम हेल्थ कंडीशन में अगर आपको रखना है, सो यू नीड टू बी वेरी प्रिजर्वेंस के और डेडिकेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी स्कारलेट मकाऊ देखकर एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना कि आई वॉन्ट टू बाय दैट बर्ड। स्कारलेट मकाऊ को रखना, मेंटेन करना, और सी मेंटेन इन द सेंस सिर्फ इनकी बाहरी खूबसूरती नहीं, मेंटली तौर पे इनको इंगेज रखना इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। इसीलिए इनको ज़्यादातर चूएबल टॉयज दिए जाते हैं। अभी मेरे एक क्लाइंट, इज़ नॉट अ क्लाइंट एनीमोर, मतलब जो मेरे क्लाइंट होते, आई डोंट रेफर देम एज ए क्लाइंट, अब वो तो फैमिली मेम्बर हो जाते। उसने अपने स्कारलेट के लिए पूरा एक रूम को डेडिकेट किया हुआ है, ताकि वो दिन भर और हर जगह उसने वॉल माउंटेड पर्च लगाए, हैंगिंग पर्च लगाए, ताकि बर्ड अपने दिमाग को इंगेज करके रख सके। और इसी वजह से वो बर्ड इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हेल्थी होता है। सो इफ यू रिक्वायर एनी बर्ड विच आर लुकिंग फॉर इन अ वेरी प्राइम हेल्थ कंडीशन एंड वो जिसको मैंने पर्सनली ट्रेन किया हूँ, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगेन, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी मेहनत से बनाई जाती है, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम, डेडिकेशन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इवन बर्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो शेयर करिए, लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।